शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सनसी न्यूज चैनल में युवा जोश नई सोच के साथ विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विद्यापीठ ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत थाना रोहनिया ग्राम करहुआ में ब्लॉक के वरिष्ठ पदाधिकारियों व वर्तमान ग्राम प्रधान के आदेशानुसार गांव में सीवर पाइपलाइन के लिए खुदाई करवाकर जबरन सीवर नाला का पानी वर्षों पुराने तालाब में निकाल रहे हैं। ग्रामीणों ने मीडिया से बताया कि खुदाई करने के दौरान इस बात पर ग्रामीणों ने विरोध जताया, लेकिन ब्लॉक पदाधिकारी कर्मचारी व ग्राम प्रधान ने एक नहीं सुनी और सीवर की खुदाई करवाते चले गए। जी, आपका परिचय? अनिल कुमार। ये जो अभी जैसे कि इन्होंने बताया है कि सीवर जो आपके दरवाजे के पास लगाई जा रही है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे सामने से नहीं जाए, क्योंकि हमारे ही सामने पुलिया है, उसी में भागता है। अच्छा। क्योंकि चार लोग पुलिया बैठते हैं, आते हैं, जैसे कि पुलिया चार लोग बैठते हैं तो सब लोग कहते हैं क्या महक रहा है, तो हम लोग बताते हैं किसी के पास से मतलब नाला गया है, इसलिए महक रहा है। तो आप कहता है प्रधान जी से नहीं बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे भी तो नहीं सुनेंगे। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है आपके कार्य? आएंगे, चाय पानी पी के चले जाएंगे पुलिस प्रशासन। हाँ, बस काम खत्म। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसमें नहीं लगे, आगे लग जाए, आगे बस। गाँव का क्या नाम आपके? काशीपुर करूँगा। 21 थाना अंतर्गत आता है रोहनिया। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये सर नाला बह रहा है गंदगी, हम लोग कह रहे हैं कि मतलब इसमें मत लगाओ, ये जबरदस्ती लगा रहे हैं। कौन जबरदस्ती लगा रहा है? प्रधान लगा रहे हैं। अच्छा, अभी सुनने में आया है, लोगों बता रहे हैं धमकी मिला रहा है, अगर तुम लोग रोकोगी तो तुम लोग का मकान गिरा दिया जाएगा, ऐसा। हाँ, ये कौन बोले है? प्रधान जी का नाम क्या है? ये कितने साल से जीत रहे हैं? तीन साढ़े तीन साल। कोई कार्य नहीं किए, कार्ड भी अभी नहीं बनाए सर। मीडिया के माध्यम से आप लोग क्या चाहती हैं? अरे हम लोग कार्ड ना लगा। अच्छा, मंदिर है डी बाबा का मंदिर होला सर, सब कुछ होला जी। तालाब में छठ पूजा भी होती है? जूतिया पूजा होती है, गोधना वाला पूजा होता है, सब होता है। तो ये बातें प्रधान जी को मालूम है? उनके घर का आती है, वहाँ की पूजा यहाँ पर होता है, उनके घर पर खुद ही आती है। क्या प्रॉब्लम है आप लोग? सर ये प्रधान जी ये तालाब में सीवर लगवा रहे हैं, उसी के लिए बहुत महत्ता है, हम लोगों के सारी कंधों 100 गरियां राज भर की बचती है और उसी में एक सीवर लगा रहे हैं, इसी के हम मना करने पर वो मान नहीं रहे हैं। हमने एसडीएम की यहाँ दरखास्त दिया, डीएम की यहाँ दिया, कमिश्नर साहब के दिया, कमिश्नर साहब ने आदेश किया है सीडीओ के कि तालाब में सीवर नहीं जोड़ना चाहिए, और वो बीडीओ के पास आया था तो हम बीडीओ से जाके पूछे कि सर जी हमारा कोई लेटर आया है, तो उन्होंने कहा कि हमने सिक्योरिटी को मार कर दिए, और सिक्योरिटी से हमने पूछा 26 तारीख को जी, तो कहा कि हमको एक हफ्ता मौका नहीं है, हम इस बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे करके हमको टाल दिए। हम लोग चौकी पर गए, एक अमरा चौकी पर यहाँ आए थे चौकी इंचार्ज, तो कहे हम कहे कि उसको रोकिए सर जी, तो वो कहे कि हम रोकेंगे नहीं, ऊपर से आई स्टेल आइए तब रोकेंगे। अच्छा, बोला है ये कौन बोला? इंचार्ज बोले संजय सिंह। अच्छा, संजय सिंह बोले कि आप वहाँ से स्टेल आइए तब रोकें। तो आप लोग थाने पर नहीं गए? थाने पर गए, उसमें एक दरखास्त दिया था, दिए हैं, उसका रसीद उसमें एक पेपर में लगाए हैं, लेकिन हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ये काम आज तक। तो इसके आगे डीएम तक नहीं गए? डीएम तक गए हैं। हाँ। डीएम दिए हैं दरखास्त, वो भी लिखे थे, अब हम लोगों का कोई यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, न थाने वाले यहाँ कोई रोक रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। क्यों थाने वाले क्यों रोक रहे हैं? अरे इसको रोक कहाँ रहे हैं थाने वाला, कोई कहीबे नहीं करना जांच में किसी काम के लिए। ऐसो नहीं आते यहाँ पे मौके पर? नहीं, कोई नहीं, ऐसो कोई नहीं आया था, ऐसो यहाँ पे मौके पे नहीं आया। नहीं, कंप्लेंट दिए कितने दिन हो गए आपको?
हमने दिए थे थाने पर 18 तारीख, एक महीना हो गया चौकी पर देने। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो? कोई सुनवाई नहीं सर, हम लोग इसीलिए इतने जनता यहाँ 100 घर बचती है राजभर की। अच्छा। इसमें इतना बुरा महकता है कि हितनाथ सब लोग यहाँ। अगर आपकी प्रशासन नहीं सुनेगी तो आप क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं सर जी, जो आप आगे होगा, अब नहीं तो हम लोग बैठ जाएंगे और क्या करेंगे हम लोगों की कोई। जैसा कि यहाँ के लोगों से सुनने में आया है कि जो यहाँ के प्रधान हैं वो दूसरे मतलब जातिवाद का भी करते हैं। ये अब सर जी वही तो बात है, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लाभी हम उनके साथ चुनाव लड़े हैं, उसके लिए भी वो अपना नाराजगी दिखा रहे हैं इसमें। अच्छा। हाँ, इसके आगे एक सीवर है 50 मीटर दूरी पर, हमने कहा कि प्रधान जी उसी में लगा दीजिए, तो वो कहें कि हाँ हम नहीं लगाएंगे। नहीं, उनके मकान से 20 मीटर दूरी पर एक सीवर उधर से गया है। जिनके मकान के पास ये सीवर लग रही है जी, वो उनका क्या कहना है आप लोग? वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें नहीं लगना चाहिए, हम लोग को रोक है, हम लोग नहीं। देखिए उनका यही है, ठीक सेव करिए।